हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इन सभी डेफिनेशंस को उसके साथ हम आगे एक थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी आज डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन एटॉमिक नंबर, और ये आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है ये तो आपको पता ही है कि ईच एलिमेंट इज गिवन ए नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और वो नंबर क्या है, दैट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। So the number of protons present in the number of protons present in the nucleus of an atom, in the nucleus of any an atom is called atomic number। यानी number of protons present in the nucleus of an atom। मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी atom है, उस atom के अंदर बीच में at the center एक massive और concentrated, जिसमें पूरी mass of the atom concentrate होती है, massive बॉडी होती है या जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एटम है, उस एटम के बीच में सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इन द न्यूक्लियस होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट पाथ्स, आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रल स्पीसीज अगर कोई है, न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो फॉर न्यूट्रल एटम जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कोई चार्ज्ड है, लाइक मैंने ले लिया सपोज मैंने ले लिया S-2, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो नंबर है जेड दैट इज इक्वल टू पी एंड नॉट इक्वल टू ई। जेड आपका कितना है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर देर आर 16 प्रोटॉन्स। सो जेड क्या हो गया, 16, बट इलेक्ट्रॉन्स इसने दो एक्स्ट्रा गेन किए हुए हैं, तो प्रोटॉन 16 हुए एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 18। सो किसी भी कैटाइन और एनायन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कैटाइन और एनायन। सो गाइज, न्यूट्रल एटम जो होता है, उस न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, और डेफिनेशन तो आपको पता लग ही गई कि क्या होता है एटॉमिक नंबर, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ये हमारा था एटॉमिक नंबर। अभी नेक्स्ट जो आती है डेफिनेशन वो है मास नंबर। तो मास नंबर को हम पढ़ते हैं। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर में तो आपको पता लग गया, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था 56, और पोटेशियम का होता है 39। इसी प्रकार से हर एक एलिमेंट का एक नंबर होता है। और अगला टॉपिक आपका क्या है, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड मास नंबर। क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी
एटम यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, उसी को हम मास नंबर बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, इट इज डिनोटेड बाई ए। सो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, यानी ये आपका जनरल हो गया, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। सो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं, पी और एन होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये था हमारा मास नंबर। अभी अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया पोटेशियम 1939, ये एटॉमिक नंबर है आपका, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है आपका मास नंबर। तो मास नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि ये इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये अकेला क्या है प्रोटॉन। तो यहाँ से अगर आप मैं देखना बताऊँ या आप देखें तो प्रोटॉन्स कितने हुए 19, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूट्रल है इक्वल होंगे 19, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, देखिए ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन, व्हाट्स ए, ए इज व्हाट्स ए 39, एंड पी क्या है आपके पास 19 एंड प्लस एन, इसको इधर ले आएंगे तो 39 माइनस 19 इट्स 20। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो क्या आ जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है आपको और मास नंबर पता है तो यू कैन कैलकुलेट द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। तो ये था आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अभी अगली डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें, 6 12 6 13 6 14, यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तीनों में, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो आप देखें कि एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, सेम है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो लिखते हैं आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H11 प्रोटियम बोलते हैं, H12 ड्यूटेरियम, और H13 क्या होता है ट्रिटियम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सैंपल ले लिया, मान लिया आई एम हैविंग ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द कंटेनर, तो उसके अंदर कुछ पार्ट इसका होगा, कुछ पार्ट इसका होगा, कुछ पार्ट इसका होगा, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मैक्सिमम पार्ट होगा। तो ये वाला लगभग 99% के आसपास ये होता है, बाकी 0.15 के अराउंड ये, और बाकी ये होता है 0.15 और बाकी नेग्लिजिबल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में होता है ये। तो एग्जैक्ट परसेंटेज यू कैन रेफर टू एनी बुक। सो नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट
डिफरेंट एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट सेम मास नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब डिफरेंट एलिमेंट हैं तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल्स में जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर होता है 14, एटॉमिक नंबर 18 मास नंबर 14, और कैल्शियम का 2040। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है दोनों का सेम है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और आइसोबार के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, द स्पीसीज या द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जिसमें न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोन्स क्या हुए, द एटम्स हैविंग एटम्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स, एटम्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, 6, 14 और ऑक्सीजन का 8, 16। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको पता है, 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 कितना हुआ 8, और यहाँ से अगर निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8 तो इट अगेन 8, तो देर आर इक्वल न्यूट्रॉन्स, सो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे ऐसे एटम्स को। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज वर्ड का मतलब क्या है, स्पीसीज का मतलब एटम मोलिक्यूल आयंस, कलेक्टिवली कॉल्ड स्पीसीज, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन अलग है, बाकी तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। तो द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में मैं लेता हूँ Na प्लस वन ले लिया, जैसे सपोज आई एम टेकिंग हियर एफ माइनस वन, ओ माइनस टू, एन माइनस थ्री, एम जी प्लस टू ऑफ कोर्स, एंड ए एल प्लस थ्री, नियोन, ऑल आर आइसोटोनिक। ये सारी की सारी आइसोटोनिक है, कैसे, एटोमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं इसके 10। इसमें 9 होता है एक गेन किया 10, 8 होते हैं दो गेन किए 10, इसमें 7 होता है तीन गेन किए 10, इसका 12 होता है प्लस 2 है दो लूज कर रखे हैं तो 10, 13 होता है तीन कितना हुआ 10, और इसका तो 10 होता ही है, तो ऑल आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एस माइनस 2 है आपका, ठीक है, के प्लस 1 है, सी ए प्लस 2 है, तो इसमें भी 16 प्लस 2 18, 19 में से गए 18, 20 में से 2 गए 18, तो ऑल आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं पहले क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था, जेम्स मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि जब कोई
चार्ज्ड बॉडी मूव करती है, जब कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट करती है तो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं, मैं पॉइंट बना देता हूं इसका, व्हेन एनी चार्ज्ड बॉडी, व्हेन एनी चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट एक्सेलरेट ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कर लो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड। यानी जब कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या कौन से फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसी वेव जो मूव करते हैं, जैसे चार्ज्ड बॉडी मूव करती है तो दैट विल मूव लाइक ए वेव, तो ऐसी बॉडी या ऐसी वेव दैट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो द वेव्स वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जेम्स मैक्सवेल था, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ पॉइंट बताए और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, किसके मेन पॉइंट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में वेव मूव करती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी क्या लिख बताया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन क्या होता है, PROPOGATION, प्रोपगेशन होता है निकलना, प्रोपोगेट होना जैसे। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कैसे, समझ में नहीं आया आपको ये, जैसे मान लीजिए एक वेव चल रही है, सपोज ये वेव है, द वेव इज, वेव इस तरफ चल रही है, तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ओसिलेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या हुए, परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ये है, तो ये भी आपस में क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लाइक इस टाइप से आप कर सकते हो, ये और ये। थोड़ा सा और समझते हैं, ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, क्या पढ़ रहे हैं हम, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसमें जो पहला पॉइंट है आपका वो ये था भाई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मान लीजिए ये है, यानी वेव इस तरफ चल रही है, तो वेव इस तरफ चल रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इस टाइप से, मतलब ये देखने में थोड़ा सा उठपटांग सा लग रहा होगा आपको, समझ में आ गई होगी, लाइक ये
आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब इस तरफ वेव चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे ओसिलेट कर रहा है, यानी तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, जैसे मान लिया कैसे नहीं होती है, सनलाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो सनलाइट को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बीच में उसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मोटी मोटी बात है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो ट्रैवल करती हैं, और जब ट्रैवल करती हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, जिस साइड में जा रही हैं, वो उसके डायरेक्शन में यानी उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यानी ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है इनको ट्रैवल करने के लिए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी नेक्स्ट आपका जो आता है अगला पॉइंट, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जब रखा जाता है, अरेंज करते हैं, तो उस ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द ऑर्डर इन विच ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्लेस्ड, और उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो ऑर्डर क्या है मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपका गामा रेज जो आती हैं, गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है, उसके बाद एक्स रेज की इसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका आता है यूवी रेज के बाद आपका आता है विजिबल रेज, और विजिबल रेज में आपके कलर्स आते हैं VIBGYOR, विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, फिर देखिए वेवलेंथ कम, ज़्यादा यहाँ, फिर इन सेवन कलर्स में इसकी कम, ज़्यादा रेड की, यानी विजिबल रेज की ज़्यादा होती है। फिर उससे ज़्यादा किसकी होती है, विजिबल रेज से ज़्यादा होती है इन्फ्रा रेड रेज। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी वायलेट से कम। इन्फ्रा के बाद आता है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव से आगे आता है आपका, माइक्रोवेव से आगे आता है रेडियो वेव्स, फिर आगे लॉन्ग रेडियो वेव आ जाती हैं। तो ये आपका ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ इसकी वेवलेंथ क्या है, लिस्ट वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ क्या है, लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कह सकते हो आप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी अगला मैंने लिखा लिस्ट वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ क्या है, यानी एक वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, इनको हम देखते हैं ये क्या है,
उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं टॉपिक को, वेव लेंथ। एक वेव लेते हैं, सपोज इट्स ए वेव। इस वेव में यहां जो ये ऊपर की तरफ गया, इसको ये मीन पोजीशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अलोंग, जैसे मान लीजिए मीन पोजीशन है, तो इसके अलोंग पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, कोई भी वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, ओसिलेट करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ऐसे करती है और करती हुई आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये ऐसे 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 चल रही है, तो ये मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशन है। तो यहाँ ये जो ऊपर है इसके, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है, तो दिस इज क्रेस्ट। और ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ का मतलब होता है गड्ढा, तो क्रेस्ट ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच में या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, यानी ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, या फिर यहाँ दो ट्रफ ले लिया, इनके बीच की दूरी ले लो, इसी दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, यानी एक्चुअल में वेव की लंबाई। यानी एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी जहाँ से चलती है और वहीं उसी पोजीशन पे नेक्स्ट पड़ाव पे पहुँचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव की लंबाई। यानी यहाँ से चली और यहीं पहुँच गई, या यहाँ से चली और ये यहाँ पहुँच गई, तो ये भी वेव लेंथ है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होता है ऑर्डर में आने वाली लगातार, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स और कंजिक्यूटिव ट्रफ्स। आर कॉल्ड वेवलेंथ, एक्चुअली डिस्टेंस है तो इज कॉल्ड वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स और कंजिक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये लैटिन वर्ड होता है लैम्डा, तो लिखते हैं LEMBDA, ऐसे बोलते हैं इसको, लैम्डा LEMBDA लैम्डा। तो लैम्डा से इसको हम करते हैं, तो दिस इज लैम्डा। यूनिट की अगर बात करें इसकी, यूनिट होती है इसकी, SI यूनिट की अगर बात की जाए तो मीटर, और बाकी इसके अलावा आपकी सेंटीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, एक्चुअली किलोमीटर नहीं होती बट सेंटीमीटर मीटर होने को तो हो सकती है, यानी डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, वेव लेंथ ही है, एक्चुअली में एक लेंथ ही है, ठीक है जी। उसके बाद आपका इसमें एंगस्ट्रोम में भी आ सकता है, ए नोड लिखा हो सकता है कहीं पर, ये ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। और एक एंगस्ट्रोम जो होता है दैट इज 10^-10 मीटर, एक एंगस्ट्रोम क्या होता है 10^-10 मीटर, अगर सेंटीमीटर में करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से आपका और यूनिट्स, जैसे रेडिएशंस की बात करें तो काफ़ी बहुत कम होती है इसकी, तो नैनोमीटर आ सकता है, तो एक नैनोमीटर तो आपको पता ही है 10^-9 मीटर होता है। इसी प्रकार से पिकोमीटर आ सकता है, तो 10^-12 मीटर, तो ये इसकी यूनिट्स होती हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रोम, मीटर, सेंटीमीटर, तो ये वाली ज़्यादा यूज होगी, एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर और पिकोमीटर। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में मतलब बहुत यूज होती हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अगली डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वेव को मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूं यहां पे,
हेयर इज ए वेव. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यानी एक सेकंड में कितनी वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो जाएंगी. जैसे मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है, सपोज यहाँ एक पोल खड़ा हुआ है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया, तो वेव चल रही है. एंड आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, रेडिएशंस होती हैं, और ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो चल रही है. तो एक सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर जाएंगी इस पॉइंट को, तो नंबर ऑफ वेव्स दैट विल पास थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाई ये लेटिन वर्ड होता है, वी की तरह होता है, वी ऐसे लिखेंगे हम, और ये होता है न्यू, एन यू न्यू. तो दिस इज लेटिन वर्ड. तो ये लेटर होते हैं अल्फा बीटा गामा, जैसे कुछ बार बार यूज होने वाले, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई नीटा सिग्मा पाई और साई, और क्या लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा आयोटा ओमेगा. तो ये सारे क्या हैं, लेटिन वर्ड्स हैं. तो दिस इज फर्स्ट और ये लास्ट होता है, अल्फा टू ओमेगा, एक इंग्लिश में आती है अल्फा टू ओमेगा, मतलब ए टू जेड अल्फा टू ओमेगा. तो इट इज डिनोटेड बाय न्यू. तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं. और फार्मूला क्या बना इसका, न्यू क्या होता है, सी ओवर लैम्डा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी न्यू लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर. तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये आपका फार्मूला हो गया. ये फार्मूला कहाँ से आया ये देखते हैं. अब सोचो भाई कोई भी वेव जो है वो चल रही है, मान लीजिए यहाँ से ये वेव चल रही है, इनकी वेलोसिटी क्या है, सी. मान लीजिए सी वेलोसिटी से चल रही है, और मान लीजिए इन्होंने कितनी वेव्स पास कर दी, टेन वेव्स पास कर दी. तो ये क्या है आपकी वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी होगी, मान लिया आपकी 10, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, यानी एक सेकंड में कितनी पास हुई, ये निकालना होता है. तो एक सेकंड में कितनी पास हुई, यानी एक सेकंड में कितनी वेव चली, कितनी वेव निकली, तो इसमें आप यूनिटरी मेथड लगा के इस फार्मूले को निकाल सकते हो. न्यू लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. चलो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये बार बार यूज होगा आगे भी, और यहाँ भी इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स, तो यूनिट्स होती है इसकी सेकंड माइनस वन, और सेकंड माइनस वन को ही हम हर्ट्ज बोलते हैं, एच ई आर टी जेड, यानी एक सेकंड माइनस वन इज इक्वल टू एक हर्ट्ज. और इसके अलावा आप एक मिनट माइनस वन कर सकते हो, आर माइनस वन कर सकते हो, डे माइनस वन, यानी टाइम को इन्वर्स करना होता है. तो ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट. तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मान लिया इसकी यूनिट निकालनी है न्यू, लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, सी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये मीटर नीचे जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, सेकंड माइनस वन. तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट. अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी न्यू इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लैम्डा, ये एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं. यानी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा. यानी क्यों होगी ऐसे, क्यों होगा ऐसा, देखिए मान लिया एक मेरे पास वेव ये है और एक मेरे पास वेव ये है, सपोज ये है और एक वेव मेरे पास ये है, ये तीन टाइप की वेव्स हैं, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है. तो यहाँ से आप देखो ये वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके बाद इसकी,
और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, इसकी है। तो एक सेकंड में स्पीड सबकी सेम है, तो एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जो किसी पॉइंट में से पास हो जाएंगी वो नंबर किसका ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक सेकंड में बहुत सी वेव्स निकल जाएंगी, वेवलेंथ छोटी है, ये बहुत कम निकलेंगी। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर जो है वो पॉइंट में से पास होने वाला वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए एक दूसरे के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो जो ऑर्डर हमने लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला, उसमें जो ऑर्डर इंक्रीजिंग वेवलेंथ का था, अगर फ्रीक्वेंसी कर दें तो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिवर्ट हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो आगे फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगली डेफिनेशन आती है आपकी, दैट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे फिर मैं वेव बना लेता हूं एक, ये जो हाइट है ना, ये इसी हाइट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या इस डेप्थ को। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यूनिट, क्योंकि हाइट या डेप्थ है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये होगी। अभी नेक्स्ट एम्पलीट्यूड के बाद आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी वेव किसी पॉइंट में से पास होने के लिए कितना टाइम लेती है, यानी टाइम टेकन बाय ए वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रो ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट में से एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी और ये सिमिलर सी है, फ्रीक्वेंसी में क्या था, किसी पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी निकल जाएंगी, और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट में से एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी से डिनोट करते हैं, और टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, 1/v। कैसे होता है, मान लीजिए एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एक सेकंड में 10 वेव निकली, मान लीजिए एक सेकंड में कितनी वेव निकली, 10 वेव क्रॉस करके, तो 10 वेव क्रॉस कर चुकी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 10, तो एक वेव को निकलने में क्या टाइम लगा, 1/10। तो इसलिए रेसिप्रोकल होता है 1/10, और यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट इसकी क्या होती है, सेकंड, क्योंकि टाइम वाली ही यूनिट रहेगी इसकी, सेकंड। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट और लास्ट यू कैन से वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, और डिनोट करते हैं इसको न्यू बार से, इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार ऐसे, ठीक है जी। तो न्यू बार से डिनोट करते हैं, तो न्यू बार जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/λ, ये फार्मूला होता है 1/λ, और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये मीटर होती है तो इसकी यूनिट जो रहेंगी दैट विल बी मीटर माइनस 1, सेंटीमीटर माइनस 1, नैनोमीटर माइनस 1, तो इस टाइप की इसकी यूनिट रहेंगी। तो आज जो हमने पढ़ा, हमने
कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी पढ़े हैं इसमें, डेफिनेशंस तो आपको पता होनी ही चाहिए, इनके मीनिंग पता होना चाहिए क्या मतलब है, और जो फार्मूले आपको याद करने हैं, एक था c बराबर न्यू लैम्डा, दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया न्यू बराबर वन अपॉन लैम्डा, और तीसरा जो फार्मूला है न्यू बार जो होता है वो वन अपॉन लैम्डा होता है। तो इन तीनों फार्मूलाज को आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ।